अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक लेक्चर रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आर दे कमिंग बैक। कीप इन माइंड, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, कि आपके पर्सन वापस आएंगे जिसको भी इस मैसेज की ज़रूरत है। और अगर ये आप देखेंगे तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, इसमें आपके लिए मैसेज होगा जिसको भी ये वीडियो मिलेगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे, क्या उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये सब हम देखेंगे। गाइस, बैकग्राउंड की आवाज़ों को ज़रा आप इग्नोर करिएगा। बाहर बारिश हो रही है तो सब गली के जो मेंबर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं बाहर निकल के। सारे नेबर्स जो हैं वो एंजॉय करने में लगे हुए हैं। आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं? सारे कार्ड चलते एक साथ। क्वीन ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हो सकता है इनको जो एक्सप्रेस करना, जैसे कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं करता, अपने बारे में बताता नहीं है कि कैसा फील कर रहा है आपके बारे में। या आपको हमेशा ये लगता होगा कि ये इंसान कभी भी आपके साथ सीरियस नहीं होगा, कभी भी इस इंसान ने आपको सीरियस लिया ही नहीं, इसने आपको एज अ ऑप्शन रखा, या फिर ये इंसान आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहता, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा। लेकिन ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपके बारे में। लेकिन इसका एक मसला होता है कि वाटर साइन का, कि ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये एक्शंस के थ्रू अपनी फीलिंग्स आपको बताते होंगे। आप इनके एक्शंस पे जो हैं नोट करें आप इनके एक्शंस, तो ये इंसान आपको एक्शंस के थ्रू अपनी बात जो है उससे बताएंगे। एक्शंस के थ्रू ये मुंह से नहीं बोलते होंगे ये इंसान जो भी हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, अभी आप लोग ब्रेक पे हैं, ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों के बीच में। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, और हमें मिला है एट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? गाइज, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ ऐसे ट्रूथ है जो ये इन्होंने आपसे बताया नहीं, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो ये आप पे रिवील करना चाहते हैं। हाँ, ये एक्शन अभी लेना नहीं चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, अभी आप लोग ब्रेकअप फेस कर रहे हैं। डे एंड नाइट ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके पास आना चाहता है, चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है कि आप और इसके बीच में किस तरह से पैचअप हो सकता है। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पे स्टक हैं। ये चाहें तो बंदा अपने आप को छुड़ा सकता है। देखिए आप इस फिगर को, इस लड़की के हाथ जो हैं वो खुले हुए हैं और इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो इसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से सिचुएशन से बाहर निकला जाए। हो सकता है इनका वर्क, इनका कैरियर, कुछ भी इनका ऐसा है जो आपके और इनके बीच में जो है रुकावट डाल रहा है। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, अपोलॉजी लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं। अगर इसने आपको मिसट्रीट किया था, इसका जो बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था, तो ये इंसान बताना चाहता है आपको कि ये इस तरह से क्यों करता था। हो सकता है इस इंसान को फैमिली प्रेशर हो, या इसकी मदर जो है वो एग्री नहीं करती हूँ आपके और इसके रिश्ते के लिए। तो लेकिन जो भी सिचुएशन थी, चाहे अब वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतनी डीप डाउन नहीं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि हाँ, आपके पर्सन किसी जगह पे स्टक हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये इंसान चाहता है छुड़वाना अपने आप को इस सिचुएशन से, अब जो भी मसला हो सकता है इस इंसान का, लेकिन ये उससे छुड़वा नहीं पाता क्योंकि हमारी रीडिंग सोर्स से शुरू हुई और सोर्स पे ख़त्म हो गई। इस इंसान को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्लैरिटी देना चाहता है, क्लैरिटी लेके आना चाहता है आपकी लाइफ में, अपोलॉजी लेके आना चाहता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है, लेकिन स्टक है। अब वो मुझे यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल दिखा, हो सकता है इनका कैरियर हो सकता है इनके फाइनेंसेस इतने अच्छे ना हो,
या जो भी सिचुएशन है, ये इंसान जो है फिलहाल स्टक है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनसे वो चीज़ हो नहीं पा रही है, ये बता नहीं पा रहे हैं ये इंसान आपको। इनके हो सकते, जैसे मैंने कहा कि इनका वर्क, इनका कैरियर बहुत ज़्यादा जो है इनकी लाइफ में और आपकी लव लाइफ में इफ़ेक्ट करता हो, लेकिन मुझे यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ इश्यूज़ हैं इनके, कुछ ये वर्क के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, काम में बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक इंसान हो सकता है ये, बहुत ज़्यादा इसको बटन है किसी भी चीज़ का। ये इंसान चाहता है कि बटन रख के आपको अप्रोच करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बातें करें। इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और जो कि डे बाय डे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से टाइम 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 आपका बढ़ता जा रहा है, इस तरह से इनकी फीलिंग्स जो हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं आपकी, आपके लिए। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिसे ये इंसान अभी फ़िलहाल रख नहीं सकता और आपको अप्रोच करता हुआ मुझे यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा। चाहता ज़रूर है, बात करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन हमारी जो रीडिंग ख़त्म हुई है वो एट ऑफ सोर्ड्स पर ख़त्म हुई है, तो ये स्टक है उसी सिचुएशन में। और देख लेते हैं क्या ये इंसान अब आपके पास वापस आएगा या नहीं। सोच तो रहा है आपके पास आने के लिए, अपोलोजी लेके आपको डेट पे जाने के लिए पूछ ले, आपके साथ बाहर घूमने फिरने के लिए पूछ ले, लेकिन सिर्फ इसके दिमाग में ये सब चल रहा है, एक्शन नहीं ले सकता ये, क्योंकि ये इंसान पसंद बहुत करता है आपको, इसके दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं। क्या ये इंसान वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स के पास? दी मैजिशियन। तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो हमारी रीडिंग शुरू हो रही है बॉटम ऑफ द डेक से, तो ये इंसान मुझे आपकी तरफ वापस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्शन लेते हुए फिलहाल अभी मुझे नज़र नहीं है, अभी मैंने ये कार्ड्स देखे नहीं हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को लगता है कि आपने इसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया इसकी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से। फोर ऑफ पेंटिकल, फोर फोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, हो सकता है आपको मिलते जुलते नंबर दिखते हो, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हो, इस इंसान का नाम दिखता हो, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको इस इंसान की याद दिला दे, या कुछ भी ऐसा जो ये बात बताते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द वापस आने वाला है। आपको डिवाइन जो है, डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहे हैं आपको, मुझे ये लग नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसको अप्रोच कर लें, ये खुद आपके पास आने से डर रहा है। गाइज, ये इंसान वापस आएगा, लेकिन इसे मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वापस आना चाहता है, आपको छोड़ के गया था, आपको बताना भी चाहते हैं कि ये इंसान आपको छोड़ के क्यों गया था, लेकिन इसकी अभी मैनिफेस्टेशन चल रही है और आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट करें, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप दोनों की एनर्जी, मुझे आपके पर्सन की लग रहा है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं या चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इस इंसान की रात की नींदें उड़ी हुई हैं, ये इंसान शदीद एंजाइटी में है, इसे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ये अपने आप को सही से रख नहीं पा रहा, सोच सोच के इसकी हालत बुरी हुई हुई है, कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है सोच सोच के बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, ओवर थिंकिंग कर करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। लेकिन जैसे कि हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल का, हमें सॉरी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिला था, तो ये इंसान के दिल में फीलिंग्स है पर एक्सप्रेस नहीं करनी आपसे, आपको बताना नहीं है, अपनी फीलिंग्स से ये भाग रहे हैं, आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं इतने डीप डाउन नहीं देखूंगी। ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, फॉर श्योर रश करता हुआ आएगा, जब इसकी मैनिफेस्ट कर लेगा आपको, तो ये आपकी लाइफ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि आप इस इंसान का वेट कर रही हैं कि शायद आप, ये इंसान कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेगा या कभी भी आपको पर जो है तवज्जा नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ये इंसान सोच सोच के इसका बुरा हाल है और ये इसका बस चले रश करता हुआ आपकी लाइफ में आ जाए। और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आप लोगों की काफ़ी ब्लंट बातें हो सकती हैं, आपने बर्दाश्त करना है अगर आपको इस इंसान को चाहिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है, जो कि ये एम्परर कार्ड रिवर्स में आया है, इससे सिचुएशन को भी हैंग करा हुआ है और आपको भी हैंग रखा हुआ है। ये इंसान क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, लेकिन है ये इंसान एज अ एम्परर, आपको कमिटमेंट देगा अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, चीज़ों को गो विद द फ्लो लेके चलें। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करेगा, आप इसको मैनिफेस्ट करें, ये आएगा, ये फॉर श्योर इसकी तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है और आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें तेज तेज जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही हैं बढ़ती भी, क्योंकि ये इंसान अभी अपनी
फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा के रखी हुई, ये बताना नहीं चाहता, और ये सोचना ही नहीं चाहता कि ये इंसान कभी आपसे प्यार करता है, लेकिन इसके दिल में इतनी डीप फीलिंग्स है कि ये इंसान करने पे मजबूर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगी इनको। तो हो सकता है किसी किसी के पर्सन के लिए आप मनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, offline. मनी So I देखते हैं ये आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे, ये एग्री करेंगे कि ये इंसान आपसे कभी प्यार करते हैं। दो कार्ड निकालेंगे, ये देखते हैं कि ये इंसान आपके साथ अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे। टेम्परेंस, जी गाइस जरूर करेंगे ये इंसान। ये इंसान चाहता है कि आप इसकी लाइफ में हर हाल में रहें, कोई भी सिचुएशन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपको लेके, आप कहीं, ये आपको जाने नहीं देने वाला कहीं भी, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है हर हाल में। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्स, द मैजिशियन और डेथ। जी गाइस फॉर श्योर करेंगे, आप लोगों का एक दफ़ा ब्रेकअप होके आप लोगों के बीच में चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी, तब इस इंसान को आपसे दूरी जो है बढ़न लगने लगेगी, तो ये इंसान आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहेगा। कार्ड्स को इस तरह से रखते हैं, आप दोनों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ये इंसान और आपके बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, तो ये इस इंसान को आपकी फीलिंग्स, आपकी कदर का पता चलेगा, आपसे दूरी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगी, तभी ये इंसान हील होकर आपको अप्रोच करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, और ये प्यार का ऑफर लेके आपकी तरफ आएगा, और ये चाहता भी यही है, और ये गिव अप करना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपका और इसका डिस्टाइन कनेक्शन है, आपको और इनकी शादी होगी फॉर श्योर, क्योंकि आप अगर इनका वेट करेंगी तो ये इंसान आपको कमिटमेंट दे देगा, क्योंकि ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, और डिवाइन भी आपके पेशेंस को टेस्ट कर रही है कि कब कमिटमेंट आप दोनों के बीच में होगी। मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा इस इंसान का, ये इंसान बहुत जल्द आपको अप्रोच करेगा और आएगा तो अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा और आपके लिए एक प्रपोजल लेके आएगा। दिस कुड बी द वन, कोई एक हो सकता है वो, इस इंसान के दिल में इतनी डीप फीलिंग्स है, यू आर ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, जो आप जिसकी आपको तलाश थी आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये इंसान जो है रिट्रीट पे है और बहुत आपकी यादें साथ लेके गया हुआ है। किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो आपसे कहा जा रहा है आप उसे लेट गो कर दीजिए कंट्रोल इशूज को, ये इंसान एफर्ट लगाएगा। पास्ट में इसने आपको डिसेप्शन दिया था, इसने सेल्फ मास्क पहना हुआ था, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं दिखाई थी, अब ये इंसान ट्रू फीलिंग्स आपको दिखाएगा, आपको अपनी ट्रू सेल्फ दिखाएगा, क्योंकि ये इंसान की इंटेंशन यही है कि आपसे क्लैरिटी लेके आपके साथ रिकनसाइल करके आपके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आते के साथ ही आपको प्रपोज कर देगा, थोड़ा टाइम दीजिए, एनालाइज करने दीजिए चीज़ों को, ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। तो ये थी एक शॉर्ट रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मिलते हैं, बाय।